नमस्कार दोस्तों, क्या आप बीट रूट या चुकंदर को अपने डाइट में ऐड किया हुआ है? अगर हाँ तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और नहीं तो इस वीडियो के एंड तक आप अपनी डाइट में ऐड उसको ज़रूर करना चाहोगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब तभी करना अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आए। ये चुकंदर वही होता है जिसको आप खाते हुए आपका मुंह रेड हो जाता है अंदर से। हाँ जी, एकदम वही चीज़ है ये। तो अब क्वेश्चन आता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो बेनिफिट्स तो देखो काफ़ी सारे हैं, लेकिन इसमें सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है, हमारी हार्ट हेल्थ एंड ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। डाइट में चेंजेस करके आप अपने हार्ट की हेल्थ का एंड ब्लड प्रेशर का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप बस चुकंदर के भरोसे रहे और आपने अपनी मेडिसिन छोड़ दी। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें और बीट रूट को अपनी डाइट में ऐड ज़रूर करें। सो यहाँ एक क्वेश्चन आता है, क्या ये डायबिटीज़ में भी फ़ायदेमंद होता है? सो इसका आंसर है, अल्फ़ा लाइपिक एसिड जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, बीट रूट में पाया जाता है। ये कंपाउंड आपके ग्लूकोज लेवल्स को कम करने में हेल्प करता है और इंसुलिन लेवल को इंक्रीज करने में भी हेल्पफुल होता है। सो अब यहाँ अगला क्वेश्चन आता है, क्या ये डाइजेशन में भी इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जी हाँ, अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है तो ये हाई फाइबर फूड्स ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। एंड एक कप बीट रूट में आपको 3.81 ग्राम्स ऑफ फाइबर मिलता है, एंड हाई फाइबर फूड्स स्मूथ डाइजेशन एंड गट हेल्थ को बेटर करता है बीट रूट। अब यहाँ पे फिर से एक अगला क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि क्या ये एक्सरसाइज एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस को भी बेटर कर सकता है? तो इसका आंसर है, कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि मसल ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और कुछ स्टडीज़ में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। तो अभी यहाँ पर और रिसर्च की रिक्वायरमेंट है। और वैसे भी डाइट में ऐड करने में क्या ही ज़्यादा है, कोई नुकसान तो है नहीं, सुपर फूड है, तो इसको आप ईजिली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ एक और क्वेश्चन पुटअप होता है कि काफ़ी लोगों को लगा कि बस इसमें फाइबर होता है और कुछ नहीं होता। सो इसका आंसर ये है, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे एक कप आपको जो रॉ बीट रूट में आपको 58 to 60 कैलोरीज मिलेंगी, 13 ग्राम्स कार्ब्स मिलेगा जिसमें कि 9.19 ग्राम्स शुगर होती है, एंड 3.81 ग्राम्स आपको फाइबर मिलता है, और प्रोटीन आपको 2.19 ग्राम्स मिल जाएगा, और इसमें डेली रिक्वायरमेंट का आपको विटामिन सी मिलेगा जो कि होता है 7.4%। अब कुछ फैक्ट्स की बारे बात करें तो जो हैंगओवर को कम करता है बीट रूट, ये जितने भी वो वाले दोस्त हैं उनको काफ़ी सुनकर ये खुशी हुई होगी। बीट रूट में बीटासिनिन एक पिगमेंट होता है जो इसको कलर देता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो कि लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन को स्पीड अप करता है, जैसे कि अल्कोहल लेवल्स को क्विकली कम करता है। सो ये सुनकर तो काफ़ी लोग खुश हो गए होंगे। और यहाँ मुझे एक बात याद आती है कि दुनिया में इतने तेजस्वी लोग हैं कि पीने के बाद लिवर की मेडिसिन लेते हैं एंड अपने आप को हेल्दी प्रेडिक्ट करते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, अलग ही लेवल का चल रहा है इन लोगों का। वर्क्स एज एफ्रोडिजियाक, ड्यूरिंग रोमन टाइम्स लोग इसे एज एफ्रोडिजियाक यूज़ करते थे। एफ्रोडिजियाक फूड वो होते हैं जो सेक्सुअल अरोजल डिज़ायर्स एंड सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, एंड बीट रूट में बोरोन मिलता है जो कि ह्यूमन सेक्स हॉर्मोन से रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ एफ्रोडिजियाक फूड की बात हो रही है तो इसके ऊपर एक एफ्रोडिजियाक फूड के ऊपर वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ जो कि है सफ़ेद मूसली, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा कि 16th century में लोग इसे एज अ हेयर डाई भी यूज़ करते थे बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल रेड कलर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लेटेस्ट वीडियो के लिए आई बटन में लिंक आ जाएंगे, सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। हफ्ते में दो बार वीडियो ज़रूर आएंगे, और दिन मैं आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में बता दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।